हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए अगेन न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी कनेक्शन। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। गाइस, आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोड़िक साइन के लिए होने वाली है व्यूअर्स। सो इसे पॉजिटिव वे में देखिएगा। जितना पार्ट आपके साथ में रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट करिए, जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, गाइस वन मोर थिंग, अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके व्यूवर्स, रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और रीडिंग्स के लिए। सो गाइस, चलिए रीडिंग हम आपके स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपके पर्सन और उस पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प करके बताइए, प्लीज़ हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के लिए। बताइए थर्ड पार्टी कनेक्शन में इनके पर्सन की क्या स्थिति है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो वहाँ से निकल के इनके पास वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करिए। ओके व्यूवर्स, देखते हैं। ओके गाइस, पहला कार्ड हमारे लिए आया है टू ऑफ सोर्ड्स। वी फिर है गाइस हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स है गाइस हमारे पास, क्वीन ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके व्यूवर्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है गाइस हमारे पास फाइव ऑफ वैंड्स, लवर्स, एंड गाइस हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स। इन कार्ड को भी ले लेते हैं। ओके ओके व्यूवर्स, सो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गाइस मुझे नज़र आ रहा है, भाई देखो आपके जो पर्सन है ना, जो थर्ड पार्टी के साथ में चले गए हैं, उसके साथ में जाके रह रहे हैं, सब कुछ है उसके साथ में, इनका चल रहा है, लेकिन सब कुछ चलते हुए भी इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। अब क्यों अच्छी नहीं है वो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, भाई ये जो पर्सन है ना, ये हेल्पलेस वाली पोजिशन में पहुँच गए हैं। इसको अपना ना तो यहाँ पे फ्यूचर नज़र आ रहा है, ना ही अपनी हालात सही नज़र आ रहे हैं। इसको लग रहा है कि इससे इसी की चीज़ों को, यानी इसकी एसेट्स को, या इसकी जो एक लिबर्टी थी उसको छीन लिया गया है। और छीन के कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं, एक बात करें कि जो नॉर्मल हम टॉक करते हैं कि शक्तिहीन हो जाना किसी से, उसकी शक्ति छीन लेना, उसकी पावर छीन लेना, उसको बंधन में कर देना, उसको नज़रबंद कर देना, ठीक है, उसके ऊपर हर समय कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर आके खड़ी हो गई। ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर, यानी थर्ड पार्टी के साथ में कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा। इसको यहाँ पर ये घुटन महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा अपना आने वाला फ्यूचर, और क्यों नज़र नहीं आ रहा वो यहाँ पर गाइस ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है आपका इस थर्ड पार्टी के पास में गया था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इसका अच्छे से ध्यान रखेगी, इसको ध्यान, इसको अच्छा फ्यूचर बनाएगी, इसके साथ में इसका घर बसाएगी, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने इसकी जो इस ये जो अपनी साथ में लेके गया, जिस जो भी एसेट या अपनी अपनी चीज़ें जो भी ये साथ में लेके गया, या खुद भी ये गया है अपने आप को ही लेके, तो वही थर्ड पार्टी ने पहले इसे यूज़ किया। अब यूज़ करने के बाद में इसी की एसेट को लेके वो दूसरे के साथ में मतलब मजे कर रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मतलब इसी की चीज़ों को वो दूसरे के ऊपर लुटा रहा है। अब अगेन थर्ड पार्टी कनेक्शन गाइस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एक तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में चल रहा था, अभी थर्ड पार्टी ने फोर्थ पार्टी क्रिएट कर ली है, तो गाइस यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस वजह से बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और आपका जो पर्सन है गाइस इन चीज़ों को देख के भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है, उसका लग रहा है कि नहीं यार कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट गाइस क्या है कि एक्चुअल में यही है सिचुएशन। क्यों है गाइस? क्योंकि आपका पर्सन इन चीज़ों को, कहते हैं ना जब इंसान खुद गलत होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करता है कि यार मैंने ऐसा किया तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसा करेगा या फिर ऐसा होगा। तो गाइस यहाँ पे उन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। पर गाइस कहते हैं ना कि इन चीज़ों को सामने आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं कि आप वो चीज़ें नज़र होना बंद हो जाती है, पर ऐसा तो नहीं होता ना, होती तो है वो चीज़ें और ज़रूर होती हैं, आप ना देखो तो वो अलग बात है। तो गाइस यहाँ पे यही हो रहा है। अब इस पर्सन को ना, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कि अभी मैं यहीं पर रुकूं या मैं आपकी तरफ आगे बढ़ जाऊं, या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो इसका विजडम काम कर रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, दिमाग अपना बहुत ज़्यादा चलाता है, क्विक डिसीजन लेता है, सब कुछ लेता है, पर यहाँ पर आगे इसकी बुद्धि फिर गई है, बुद्धि को बांध दिया गया, कैप्चर कर लिया गया, इसकी सोचने समझने की शक्ति है पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है गाइस। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। कहते हैं ना पहले तो ये बहुत ज़्यादा
सही से अपना काम करता था, सबको सब कुछ इसे क्लियरली नज़र आता था। बट क्या है, अब इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो चुका है। इसकी बुद्धि उद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, ना इसको दिखाई दे रहा है, और देख के भी गाइज यहाँ देखा करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। आपका जो पर्सन है गाइज वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह चल रहे हैं, कहा सुनी बहुत ज़्यादा चल रही है, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा बहस बढ़ जाती है कि ये आप इस रिलेशनशिप के अंदर अपने आप को घुटन सा महसूस कर रहा है आपका पर्सन। तो गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि भाई इसको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा घुटन है, आज़ादी नहीं मिल रही है इसे। जैसा इसने इस पर्सन ने सोचा था, आपके पर्सन ने, वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जो पर्सन है गाइज, ये इसको पहले अपना इस थर्ड पार्टी को इसने क्या सोचा था, इसने ये सोचा था कि ये सोलमेट कनेक्शन है, बट गाइज एक्चुअल भाई सोलमेट कनेक्शन नहीं था। ये इसकी फिजिकल बॉडी को देख करके, कहते ना सेक्शुअल डिज़ायर होती है, उसको देख के गाइज ये अपना उसको फुलफिल करने गया था। फिर सोचा इसने कि चलो यार इसी के साथ में अपना घर बसा लिया जाए, पर इस पर्सन का ध्यान तो अब फोर्थ पार्टी पर चला गया है। अब क्या है गाइज, यहाँ पे यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अब ये पर्सन इसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, यानी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ देख ही नहीं रही, इसे नज़रअंदाज कर रही है। और इसी वजह से गाइज आपका जो पर्सन है ये टेंशन में और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, ठीक है, इसे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं इस पर्सन की, भाई जो आपका ये पर्सन है ये आप ही की तरफ रिटर्न बैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसे दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है। इसने अपनी जो गलतियाँ करी हैं पास्ट के अंदर उनको रेक्टिफाई करना चाहता, अब ये और ज़्यादा अपनी लाइफ को ऐसे ही नहीं जीना चाहता है। ये चाहता है मेरी लाइफ अब स्टेबल हो जाए, मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, और मैं अपना घर बसा सकूं, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के अंदर ये फुलफिल करना चाहता है। करना किसके साथ में चाहता है, वो आपके साथ में चाहता है, क्योंकि गाइज कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है गाइज, ये आपका जो पर्सन है ये आप ही की तरफ दोबारा रिटर्न बैक करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है यार उसी रिलेशनशिप में वापस चलते हैं जहाँ से हम इसे छोड़ के चले आए थे, तो वहीं पर ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे तलाश था वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब आपकी तरफ ये मैसेज भेजना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपके साथ में दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि गाइस देखो कार्ड यही बताता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, आपके साथ में दोबारा से पैचअप करना चाहता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो पहले ये आपको इग्नोर कर रहा था, अब क्या चल रहा है इसके जो मैसेज है ना ये आपके साथ मतलब बोलना तो चाहता पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अभी हो नहीं हो पा रहा है। इसको किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत है ताकि ये आपके साथ में दोबारा से पैचअप कर सके, अपनी बातों को बता सके, क्लियर कर सके, ताकि ये आपके साथ में अपनी शादी वगैरह कर सके गाइस। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही बता रही है कि आपके साथ में अभी दोबारा से पैचअप करके शादी करना चाहता है, क्योंकि गाइस इस रिलेशनशिप के अंदर इसे ठोकरें बहुत सारी लग चुकी हैं। इसे समझ में आ चुका है कि क्या यार मैंने गलती करी और मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे यही प्रॉब्लम निकल के आई है, ये जो पर्सन है भाई इस थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं चल रहा है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब चल रही है। यहाँ से निकलने के लिए पर्सन झटपटा रहा है, ठीक है। अभी इस पर्सन के साथ में गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, भाई देखो यहाँ पे शादी वगैरह तो मैं कह सकती हूँ कि भाई देखो कुछ लोगों की हो गई होगी, कुछ लोगों की नहीं हुई है, लेकिन लिव इन में चल रहा है मैटर। आप समझ रहे हो ना कि फिजिकल एक रिलेशनशिप इन दोनों का चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लेरिफाई यहाँ पे क्या ही करूँ कि यहाँ पे शादी वगैरह का मैटर है या नहीं है, लेकिन फिजिकल तो ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ में गाइज यहाँ पे हो चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पे गाइज अब ये पर्सन है इसको सब चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आने लगी हैं कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी इसकी एक्चुअल में डिज़ायर क्या है। तो इसे समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है, उसके साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा है, और मेरा जो पर्सन था यानी आप जो उसका कैरेक्टर कैसा है। तो दोनों को यहाँ पे तालमोल कहते हैं ना, तोलमोल करने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा पर्सन ज़्यादा बेहतर है और क्या उसके साथ में मेरी लाइफ सुटेबल है या नहीं है। तो गाइज ये आपकी तरफ दोबारा से मैसेज भेजता हुआ, आपके साथ में कम्युनिकेट करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है भाई आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्सा इतना ज़्यादा हो कि भाई इसके ऊपर तो बरसना चाहते हो और इसे इग्नोर करने की भी कहीं ना कहीं आप भाई कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग इसका वेट भी कर रहे हो, यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ कुछ लोग इसका वेट कर रहे हो कि यार कब लौट के वापस आए, और ये यहाँ पे गाइज आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज तो जरूर भेज रहा है आपको, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको ये मैसेज कुछ जरूर मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि गाइज यहाँ पे कार्ड की एनर्जी कह रही है। और कुछ लोग तो भाई गुस्सा होकर बैठे हैं, तो अगर आप लोग भाई जैसी भी जिस भी एनर्जी में गाइज ये आपको समझना है कि आपके साथ में क्या जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो गाइज जो भी आप उम्मीद कर रहे हो उस पर्सन की तरफ से, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये आपके साथ में पैचअप करना चाहता है, ये अब उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिलीज करना चाहता जो आपको एक दूसरे से दूर करती है,
ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी के साथ में गाइज इंजॉय नहीं कर रहा है, ये आप ही के साथ में वापस लौट के आके इंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ में, जो ये पहले सबके साथ में कम्युनिकेट मतलब कर रहा था, सबके साथ में इंजॉय कर रहा था। पहले क्या कहता है इसने, पास्ट में क्या कर रहा था कि आपके साथ में रिलेशनशिप चला रहा था, थर्ड पार्टी के साथ में चला रहा था। अब इसे जैसे जैसे इन चीज़ों का सामना इसका होता गया है, सच्चाई का सामना इसे होता चला गया है, तो इसे समझ में आने लगा है कि यार सही क्या है गलत क्या है। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ अपना रिलेशनशिप बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने अकेला कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो गाइज यहाँ पे यही मैं कह सकती हूँ, अभी ये पर्सन उसके साथ में ना कम्युनिकेट करके, उसके साथ में ना जाके ये आपकी तरफ आना चाहता है। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं और क्या निकल के आता है, ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज ये आप तक भेजना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो कुछ यहाँ पे कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या मैसेज निकल के आता है। ओके प्लीज डिवाइन बताइए। ओके गाइज हमारे पास है आई विश यू नो हाउ मच यू एक्चुअली मीन टू मी। तो गाइज ये पर्सन आपको बोल रहा है कि भाई देखो तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या वैल्यू रखते हो, क्या तुम्हारी इंपॉर्टेंस है। तो गाइज इसे पर्सन को ना आपकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आने लगी, और ये आपको समझाने की कोशिश यही कर रहा है कि यार तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो इसे एक आपकी जो वैल्यू है वो समझ में यहाँ पे आने लगी है, आई फील कम्फर्टेबल विद यू। तो गाइज ये आपके साथ में कम्फर्टेबल फील करता है, वहाँ पर इसे घुटन फील होती है उस थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन आपके साथ में इसे बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। तो गाइस यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं क्या निकल के आता है, आई मिस टॉकिंग टू यू। तो आपसे बात करना भी मिस कर रहे हैं, तो आप दोनों का जैसे कम्युनिकेशन रुक गया है, आप इसे कहीं ना कहीं गुस्सा भी हो या जो भी है, जो बातें नहीं हो पाई हैं, बातें रिलीज नहीं हो पाई हैं। और गाइज ये थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद में आप दोनों का जो कम्युनिकेशन रुक गया है, तो इसे आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं, We are not wrong, only situation was not favorable. भाई देखो क्या मैसेज निकल के आया है, इन्होंने बोला है कि भाई हम गलत नहीं थे, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि ऐसा सब कुछ हो गया, ठीक है। डोंट गिव अप, भाई गिव अप मत करिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक चांस और दे दो मुझे कम से कम, है ना, मुझे एक बार ट्राई करने का मौका तो दो, एकदम से अभी मत छोड़ो मुझे। आई लव यू, गाइज कार्ड भी देखो यही बता रहा है, भाई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, गिव अप मत करो अपनी साइड से, एक मौका और दे दीजिए। नॉट सीइंग यू यू इज़ हर्टिंग मी सो मच गाइस, और ये कह रहे हैं कि भाई देखो तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा इस तरह से नाराज़ होना या मुझसे बातें नहीं करना मुझे कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो प्लीज़ एक बार उठ के मेरी तरफ देखो तो सही, मुझे मौका तो दो, ठीक है। आई थिंक अवर फ्यूचर टुगेदर, और ये समझते हैं कि हम दोनों का फ्यूचर एक साथ ही है और एक दूसरे के लिए हम दोनों परफेक्ट हैं, ओके। आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके, और वो गाइज यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ओके। आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू, और गाइज ये कार्ड आपके लिए बोल रहा है कि ये आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि गाइज देखो ये कार्ड भी यही बता रहा था, है ना, मैंने आपसे जैसे एक बोला था कि ये आपके साथ में दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और आपके साथ में अपना घर बसाना चाहते हैं, और यही यहाँ पर आखिरी कार्ड भी निकल के आया। ओके व्यूअर्स, सो गाइज ये रीडिंग थी, आई होप आपके साथ में गाइज ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, अगर गाइज की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गाइज गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।